क्लिनिकल में सर हम कैसे करियर बना सकते हैं? हाँ, क्लिनिकल में, साइकोलॉजी में आज के जमाने में क्लिनिकल तो इतना बर्डिंग फील्ड है, इतना ग्रोइंग फील्ड है, जहां पर आज सबसे ज्यादा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। एक सिंपल सा उदाहरण आप ले सकते हैं, पिछले 2-3 दिन हिसार में नेट बंद रहा, मुझे नहीं पता सिरसा में बंद था कि नहीं था, इतना कनेक्टिविटी नहीं रही। कमाल की बात यह है कि हर बच्चा, हर व्यक्ति ये कह रहा है कि यार उन दिनों हम बड़े आराम से सोए। इसका मतलब क्या है कि वो जब नेट चलता है तो आराम से नहीं सो पाते हैं, और जो व्यक्ति आराम से नहीं सो पाता है, नींद का पूर्ण रूप से आनंद नहीं ले पाता है, सडनली वो उसने अपने कदम बढ़ा लिए उस ओर, उस रास्ते की ओर जो वो रास्ता जाता है मनोवैज्ञानिक विकार या साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल बीमारियों की ओर जाता है, वो कदम उसने बढ़ा ली। आप जान रहे हैं ये बात, आप मनोविज्ञान के छात्र हैं, मनोविज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो आपको इस बात का अंदाजा है कि आज दुनिया का जो राह है, वो डायरेक्शन है, वो किस प्रकार से ये हमें दिखा रही है। इनके कारण सो नहीं पा रहा है, अगर व्यक्ति सो नहीं पा रहा है तो सडनली मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है, अगर है भी तो दिखाने की कोशिश कर रहा है, और आने वाले समय में वो अस्वस्थता, अनहेल्दीनेस बाहर आने वाली है, तो उस समय जरूरत पड़ेगी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, मनोविज्ञान की जरूरत पड़ने वाली भविष्य में, बहुत करियर ऑप्शन है इसमें। हाँ, तो पीजी के बाद आपको एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी में, और उसके बाद आप क्लिनिकल साइकोलॉजी के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्लिनिकल के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जैसे PGIM रोहतक है, चंडीगढ़ है, इन सब में एक अलग अलग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा उनकी जरूरत है, वहां पर उनको अच्छी एम्प्लॉयमेंट, अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। यस सर।